आइए आज नवरात्र के पहले दिन हम आपको गुजरात के सूरत लेकर चलते हैं, जहां इस पावन अवसर पर डायमंड एंड सिल्क सिटी में बनने वाले भव्य ऐतिहासिक एवं चमत्कारिक कलयुग की देवी श्री माजीसा मां के मंदिर की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां भारी तादाद में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। इस पावन भूमि पर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिवस पर एक शाम मां माजीसा के नाम का विशाल भव्य भक्ति कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन पर बतौर मुख्य अतिथि श्रीमान कुंवर हरिश्चंद्र सिंह जी, जोशल बंसज और श्रीमान बाबू सिंह जी राठौड़ जैसलमेर से पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम में भजन संगीत का आयोजन राजस्थान के जाने माने संगीतकार आशा बैठलब और श्याम पालीवाल बलोत्रा अमृत राजस्थानी द्वारा किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन अनिल सालेचा मुंबई वालों के द्वारा किया जाएगा। श्री माजीसा धाम बलेश्वर करोदरा रोड तक लाने ले जाने के लिए लैंडमार्क और अनुव्रत द्वार बपाल से बसों की व्यवस्था की गई है। वहीं संस्था के अध्यक्ष पुखराज संकलेचा ने बताया कि इस भक्ति के दौरान श्री माजीसा मां के मंदिर के शिलाओं एवं अन्य कई चढ़ावों की बोलियां बोली जाएंगी। भगवान भाई, आगामी दिनों में जो माताजी का जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या उसके अंदर खास है और क्या विशेषता है माताजी की, जो कि सूरत के इतनी बड़ी सिटी के अंदर भारी मात्रा में लोग पिछली बार भी आए थे और इस बार भी क्या कुछ लग रहा है? ये छत्तीस कौम की देवी है, लोगों को ये इष्ट देवी है, इसके ये बहुत कलयुग की प्रत्यक्ष देवी है और लोगों के इसके धाम पे दर्शन करने मात्र से सब काम सफल हो जाते हैं। लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, इसके हुक्म के बगैर पता नहीं चलता है। लोग इनके जो भी भक्त लोग हैं उनके हुक्म से ही काम करते हैं, इसलिए भक्ति संध्या या कल 18 तारीख को रखी गई है। मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ भक्ति संध्या का लाभ लेवे पधार के, और यहाँ प्रसादी भी रखी गई है और कलाकार भी आए, भजन संध्या रखी हुई है और यहाँ अभी बोलियां भी बोली जाएगी। शिलालेख की शिलाओं की जो स्थापना होने वाली 20 अप्रैल से मंदिर निर्माण चालू होने जा रहा है, उसकी शिलाओं की बोली बोलेंगे। भोजनशाला रूम वगैरह जो भी है उसकी, तो मेरा तो अनुरोध है कि जो भी इसका लाभ लेवे और अपना अमृत समय निकाल के भक्ति संध्या में जरूर। हमारे इस टीवी चैनल के माध्यम से माताजी के जो माताजी का जो एक अच्छा धाम सूरत में भी बनने वाला और पिछले राजस्थान में भी जसोल माता, जगदीदास धाम, अलग अलग जगह माताजी के मंदिर बने हुए हैं, तो सूरत में माताजी का नया धाम बनने वाला है, तो उसके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं रहेगी, जो मंदिर के अंदर क्या सिस्टम लगेंगे, क्या उसके अंदर कितनी एरिया में माताजी का मंदिर बनने वाला है, क्या उसके अंदर खास रहेगा? मंदिर तो काफी बड़ी जगह में है, 200x400 का प्लॉट है, 200 फुट रोड साइड का है और 400 फुट लंबा प्लॉट है, तो उसके अंदर जैसे जसोल मैन मंदिर बना हुआ है उसी प्रकार का, उसी टाइप के नक्शे से ही मंदिर बन रहा है। मैन तो जसोल मंदिर है और दूसरा अभी और भी जगह मंदिर बने हुए हैं, जैसे जोगीदास बना हुआ है, जैसलमेर बना हुआ है, बड़ौदा में भी बना हुआ नजदीक में, यहाँ सूरत भी। सूरत में भक्तों की इच्छा थी कि यहाँ माजीसा का धाम बने, तो माता रानी का हुक्म हुआ और मंदिर की बातों बातों में मंदिर की चर्चा चली और आज उसकी भक्ति संध्या भी चालू और निर्माण कार्य भी चालू होने वाला है। क्या संदेश देना चाहते हो आप सूरत के, सूरत शहर के? सूरत शहर में लोगों को मालूम पड़े कि माता रानी भटियाड़ी के यहाँ लाखों भक्त हैं, उनको मालूम होना चाहिए माँ रानी का, माता रानी का मंदिर बनने जा रहा है और लोग उस भक्त श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और लोग माता जी के अटूट भक्त है, कलयुग की प्रत्यक्ष देवी है ये और उसकी भक्ति संध्या और मंदिर बनने जा रही है। मैसेज देना चाहता हूँ सबको मालूम पड़े और धाम पे आवे, दर्शन करे और भक्ति संध्या का लाभ ले। चरण शरण दे चारणी धन बार बार परना, भटियाणी जेड़ो कोई नाम माजी सतस्त सूरती हर भक्ति सोर कामा, माजी सतस्त सूरती हर भक्ति सोर सेवा करा दिला
जितने भी भक्त हैं जोरदार ताली के साथ प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट। कोई नाम नहीं है जग में, सगला जग में फिर के देखो भैया, बेस कम करो। ओ जग सारो माने धावे।